अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, मैं हूँ ज़ेब रिज़वान और आप देख रहे हैं फूड हिस्ट्री। व्यूअर्स, आज मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ, आज मैं अपने शहर क्वेटा में मौजूद हूँ और ये कैपिटल है बलूचिस्तान का। मैं क्वेटा में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है रेस्टोरेंट में आई हूँ, जो कि इससे पहले मैंने क्वेटा में कभी भी नहीं देखा, विच इज़ आउट क्लास एंड सुपर। और इसके दो हॉल्स हैं, इनडोर एंड आउटडोर, और ये मौजूद है। सबसे पहले मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये मौजूद कहाँ पर है। ये मौजूद है मॉडल टाउन में और ताज मैरिज लॉन के बिल्कुल सामने मौजूद। इंडोर जो है ये बर्थडे वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो है लोग आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी यहाँ पर पूरे इंतजाम मौजूद हैं। और आउटडोर जो है उसका एम्बियंस तो आउटस्टैंडिंग है और वहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है एंड कुकिंग भी हो रही है, वहाँ पर सब्जियाँ भी बन रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एम्बियंस वहाँ पर मौजूद है। रेस्टोरेंट के हम उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ की मनस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटीज़ क्या है, तो हम आप मेरे साथ रहे और हम देखते हैं कि क्या बताते हैं यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। बिस्मिल्लाह मेरी बहन, हमारे पास स्पेशलिटी में मटन कढ़ाई है जो है जैतून में बनी होता है, और इसके बाद हमारे पास बारबेक्यू थिएटर स्पेशलिटी, और इसके बाद तुर्की पौधा। तो यहाँ पर बहुत तरह ज़बरदस्त किस्म के खाने बन रहे हैं यहाँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की है और एक किचन कैप्चर किया है। बहुत ही अलग किस्म का किचन है। आई एम फीलिंग सो हंग्री, क्योंकि अब जब हम चखेंगे और उसका रिव्यू देंगे आपको तो पता चलेगा इंशाल्लाह। वी आर इन द कॉन्टिनेंटल किचन, यहाँ पर पिज्ज़ा तैयार होते हैं, फास्ट फूड तैयार होते हैं और उनकी चेफ भी हमारे साथ मौजूद है। तो थोड़ा सा पूछते हैं कि वहाँ यहाँ पर जो है बना रेस्टोरेंट में क्या क्या कॉन्टिनेंटल जो है वो स्पेशल बनाया जाता है, बताइएगा। हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिटी जो है कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, फास्ट फूड है। फास्ट फूड के अंदर जो है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविचेज है। तो हमारा बेसिक कॉन्टिनेंटल है वो है एग से पास्ता से और ग्रिल चिकन वगैरह है एंड अदर फूड। खाने में ही मज़ा आ रहा है तो खाने में कितना मज़ा आएगा, तो आप मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कि आगे आगे हम आपको लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकी एक स्पेशलिटी चेक करूँगी जो है वाड़ा, और ये बलूचिस्तान की एक स्पेशलिटी वाड़ा है और बहुत ही सिंपल किस्म की डिश है ये और बड़ी आसानी से बनती है, बड़ा पीस होता है मीट का साथ में। लेट्स स्टार्ट इट कि जायके में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीट तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेंडर हुआ हुआ है यहाँ पे। Everything is perfect. मीट इतना टेंडर है और रोटी शोरबे में भी गई है, वेरी नाइस। की जो डिश है मेरे सामने है वो चिकन सब्जी व गर्म सब्जी है और मीट जो इसका बिल्कुल टेंडर है, थोड़ा सा ड्राई होता है लेकिन बहुत मज़ेदार लगता है जो कोयलों पे पका हुआ होता है। लेट्स ट्राई। ज़बरदस्त। और इस वक्त हमारे सामने लस्सी मौजूद है बहुत ही प्यारे से बर्तन में, और ये भी ट्राई करते हैं। ये स्वीट लस्सी मज़ेदार। ओहो हो, देगी बिरयानी की ये तो बात ही और है। यहाँ पे देगी बिरयानी भी हमने जो ट्राई की है ज़बरदस्त है, और साथ ही मैंने बारबेक्यू प्लेटर, और इतना अच्छा बारबेक्यू प्लेटर इन्होंने सर्व किया है, नीचे राइस है, बहुत ही किस्म के बारबेक्यू आइटम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। स्पेशल किस्म का लग रहा है, यहाँ चेक करते हैं। पिज़्ज़ा खा के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे इसमें स्पाइसेस डले हुए हैं और चीज़ भी बहुत
आधा खत्म हो गया, बहुत मज़ेदार बेचारे खाते ही जाए। व्यूअर्स आई ट्राइड एवरी थिंग, हर एक चीज़ जो है वो अपने मुख्तलिफ जायका दे रही थी। बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू था और इनकी सब्जी भी बहुत स्पेशल थी, पिज्ज़ा भी बहुत स्पेशल था, एम्बियंस इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है यहाँ पर आकर। वीडियो को देख कर इंजॉय किया होगा, मैं फुल रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ का एम्बियंस भी इंजॉय करें। और क्वेटा में मैंने इससे पहले इतना अच्छा रेस्टोरेंट मैंने कभी नहीं देखा और ये नया रेस्टोरेंट यहाँ पर बना है अभी मना के नाम से, और इस मना में आकर आप ज़रूर इन्जॉय करें। आपने मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए खानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।